यातायात पुलिस में कार्यरत होमगार्ड जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी ट्रैफिक ने लगभग 100 होमगार्डों को पुलिस कैप का वितरण किया। कैप उन्हीं होमगार्डों को दिया गया जो वर्दी के साथ पूरी तरह मेंटेन थे, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि सभी होमगार्ड पूरे मनोभाव से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक ने होमगार्ड के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी होमगार्ड अपने पूरे ड्रेस में ड्यूटी पर मौजूद रहें और बिना किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जिससे यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, तरीके से अपना रोटी ताज वगैरह रगड़ करके ऐसा करो जिसको हाथ उठा तो सारा तुम्हें हिलने न पाओ जाओ हाथ से देख लीजिए बिल मेंटेन उतने पैसा पा रहे होंगे ये भी जितना आप ही लोग हैं देख लीजिए मरेला टाइप के लिए छाटेंगे 50 आदमी छाटेंगे इसमें से जो अच्छी वर्दी धारण किए होगा। हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम वर्दी जो है ठीक ठाक हो और आपकी वर्दी से ही सभी चीजें कवर होती है। आप हमारे प्रतिनिधि हैं चौराहे पे, आपकी वर्दी अगर गड़बड़ है, आपकी वर्दी ढीली डाली है, आपकी वर्दी गंदी है, आपकी बदनामी हो या ना हो हमारी बदनामी अवश्य होती है। इन्हें सब जब वर्दी ढीले तो आपकी कोई बात से प्रभावित नहीं होगा। अभी भी देखिए बहुत से लोग जो है दाढ़ी बढ़ाए घूम रहे हैं। आप अपना मास्क जब तक नहीं पहचानेंगे आपके मास्क को कोई नहीं समझेगा। ये आप जब तक अपने आप को स्थापित नहीं करेंगे, आपको स्थापित करना है कि आप किसी से कम नहीं है। मैंने बड़े बड़े चौराहों पे होमगार्ड को ही लगाया है, जैसे मोतीपुरा है, पेंडलेगंज है, टीपी नगर है, यहाँ पे अब कोई डेंगू नहीं रहता। यहाँ भी लोगों भरोसे है, बताइए मोतीपुर वाले है ना। और अगली बार से मैं क्या करूँगा, मैं वहीं पर खड़ा होकर आप ही से अकेले होमगार्ड से ट्रैफिक करवाऊंगा, मुझे आपको बिल्कुल ट्रैफिक का एक्सपर्ट बना के दूंगा। ये आप ही को बनाना है भाई, ये सब बना था ट्रैफिक में क्यों चले गए, छुट्टी में चले गए, जिंदगी मिलेंगे आप लोग परमानेंट मिलोगे। इसका हम लोगों का उद्देश्य ये है जो है हम लोगों ने आपस में एक विचार करके जो है जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम किया है, जिससे कम से कम एक यूनिफॉर्मिटी कैप पहनने में दिखाई पड़े कि सब लोग एक ही जैसी कैप हो, कोई लाल पहन रहा, कोई खाकी पहन रहा, कोई कैसी पहन रहा, कोई गंदी कैप पहन रहा है। तो चूंकि हमारे होमगार्ड के जवान हमारे बैकबोन हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, तो हम सबसे पहला हमारा काम है उनको हम मजबूत करें, उनके सम्मान को बढ़ाएं, तो उसको जो है उनको प्रॉपर तरीके से हम उनके सम्मान को बढ़ाएंगे। और उनमें जब वर्दी आदमी अच्छी पहनता है तो उसका विश्वास और बढ़ता है। तो हमारा उद्देश्य है कि पहले वर्दी पहनाए जिससे उनका विश्वास बढ़े और मन लगा के अपना काम करें। कम से कम आपने हम लोगों को सहयोग किया और हमारे इस पुनीत कार्य में शामिल हुए।